सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो किंग ऑफ इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो किंग ऑफ इंडिया में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है और अपने चार्ट्स कैसे ड्रॉ करने हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में। तो दोस्तों, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोलने के बाद आपको ज्वाइन फॉर फ्री में क्लिक करना है। ज्वाइन फॉर फ्री में क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे गूगल, फेसबुक, ट्विटर के थ्रू, या फिर आप सिंपली ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं आपको अब लॉग इन करके दिखाता हूँ। साइन अप करने के बाद आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका अकाउंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आइडियाज रहेंगे, मार्केट, स्क्रिप्ट, स्क्रीनर और यहाँ पे चार्ट्स रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये अकाउंट 3 साल पुराना है, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू सिर्फ एक लेआउट देता है फ्री में। बाकी लेआउट आपको लेने के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कितने पैसे लेता है वो। GoPro में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास खुल जाएगा प्लान सारा। यहाँ पे $9.95 ले रहा है मंथली, अगर आप 2 साल का पूरा पेमेंट करेंगे, नहीं तो $14.95 पर मंथ ले रहा है। तो ये प्रो का है, प्रो प्लस में $19.95 है और प्रीमियम में $39.95 पर मंथ ये लेगा आपसे। तो मैं इसके फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। प्रो में आप 2 चार्ट यूज कर सकते हैं, प्रो प्लस में 4 चार्ट और प्रीमियम में 8 चार्ट। यहाँ पे डिवाइस भी दिया है कि कितने डिवाइस आप एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ मैं लैपटॉप में ऑन किया हूँ और अपने किसी और लैपटॉप में भी ऑन कर सकता हूँ। तो प्रो में आप एक ऑन करेंगे, फ्री में एक ही रहेगा, और प्रो प्लस में 2 यूज कर सकते हैं, प्रीमियम में 5 यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूँ, इंडिकेटर्स। जैसे इंडिकेटर्स आप बहुत सारे यूज करेंगे, मूविंग एवरेज हो गया, स्टॉक RSI हो गया, वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर ही है। तो फ्री में आपको 3 ही मिलेगा, प्रो में आपको 5 मिल जाएगा, प्रो प्लस में 10 मिल जाएगा और प्रीमियम में तो 25 मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेव चार्ट की, मतलब कितने चार्ट्स आपके सेव रहेंगे ट्रेडिंग व्यू में। तो एक चार्ट आपको मिलेगा फ्री में बस, और प्रो में आपको 5 चार्ट मिलेगा, प्रो प्लस में 10 मिलेगा और प्रीमियम में अनलिमिटेड। मेरा पहले का अकाउंट है इसलिए मेरे को ऑलरेडी 5 मिलता है इसमें। तो दोस्तों, ये सब आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में रखना है तो फ्री में भी कर सकते हैं आप, और अगर आपको ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करना है, ज़्यादा चार्ट्स चाहिए, तो आप प्रो या प्रो प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि आपको चार्ट्स में कैसे जाना है। यहाँ पे चार्ट्स में आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे चार्ट्स खुल जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको एक चार्ट खुल के। तो दोस्तों, ये खुल गया है चार्ट्स मेरा ट्रेडिंग व्यू में। अब मैं आपको एक एक चीज़ बेसिक से बताता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी सिम्बॉल सर्च कर सकते हैं, जैसे इथेरियम में ETH लिख के USD मैंने सर्च किया, तो वो क्रिप्टो करेंसी के अंडर में आ रहा है और पूरे आगे इथेरियम के जितने भी एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रहे हैं। जैसे देख सकते हैं इथेरियम डॉलर, बिटफिनेक्स का आ गया, कॉइनबेस का आ गया, क्रेकन का आ गया, बिटस्टैम का आ गया। आप यहाँ पे कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं, जैसे ट्रॉन सर्च करना है तो आप ट्रॉन सर्च कीजिए, तो वहाँ पे जितने भी रहेंगे पेयर्स वो आ जाएंगे। बाइनेंस का आ गया, बिटफिनेक्स का आ गया, बिटरेक्स का आ गया, ऐसे आप कर सकते हैं। कोई भी कॉइन या स्टॉक सर्च करना है तो स्टॉक भी सर्च कर सकते हैं, बस उस स्टॉक का आपको नाम लिखना है या उस कॉइन्स का नाम लिखना है, तो आप यहां से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं BTC USD लिख देता हूं, और मैं किसी भी एक्सचेंज का चार्ट ले सकता हूं, तो मैं बिटफिनिक्स का लेता हूं जनरली, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पे BTC USD बिटफिनिक्स का चार्ट खुल गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैंडल्स कौन से रखने हैं। यहां पे देख सकते हैं हॉलो कैंडल्स भी है, उसको करके दिखाता हूं मैं, ये ऐसा दिखेगा। तो जनरली मैं कैंडल्स ही रखता हूँ, और यहाँ पे आप लाइन भी रख सकते हैं जो सिंपली आपको लाइन दिखाई देगा बस, और एरिया भी रख सकते हैं अगर आपको ऐसे प्राइस देखना है एरिया के उसमें टर्म्स में, तो एरिया भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडल्स ही रखते हैं सब, तो आपको भी वही रखना है। उसके बाद यहाँ कंपेरिजन में जाके आप दूसरे चार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर में आप जैसे सिंपल मूविंग एवरेज आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे MA सर्च कर लीजिए, ये मूविंग एवरेज आ गया, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। 2 मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है तो 2 बार इसको क्लिक करने से 2 मूविंग एवरेज सेलेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम का सेलेक्ट करना है इंडिकेटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको लिखना रहेगा, वॉल्यूम का भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड कर दिया वॉल्यूम भी, तो यहाँ पे नीचे हमको वॉल्यूम भी दिखा रहा है। अब इसको हमको एडिट करना है, तो इसके सेटिंग में जाना है मूविंग एवरेज के, यहाँ पे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं,
और ये क्लोज प्राइस पे होगा सब चीज़। जैसे 5 महीने लिख दिया, स्टाइल में जाके मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी लाइन को डार्क कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं चार्ट में, यहाँ से कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप ये सिंपली कर सकते हैं अपना। उसके बाद वॉल्यूम का भी आप कर सकते हैं। वॉल्यूम में भी MA लगा हुआ है 20 दिन का। इसको आप हटा भी देंगे तो ये जो लाइन दिख रही है आपको वॉल्यूम में, वो नहीं दिखाई देगी। स्टाइल में जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं दोनों रेड और ग्रीन कैंडल्स का, वॉल्यूम का। तो यहाँ से आप वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसा 3 इंडिकेटर हो गया है, फ्री चार्ट में आपको 3 इंडिकेटर्स ही मिलेंगे, जैसा मैंने तीनों ऐड कर लिया है। चौथा इंडिकेटर ऐड करना चाहेंगे एक ही चार्ट में तो आपको पैसे देना पड़ेंगे, वही आपको प्रो वाला, प्रो प्लस वाला ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप 3 इंडिकेटर इसमें यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अलर्ट में आप प्राइस का अलर्ट पा सकते हैं, तो ये आप खुद से देख लेना, वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ चार्ट्स में लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, मूविंग एवरेज वगैरह को। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ट्रेंड लाइन में जाना है, ट्रेंड लाइन को क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक उसको खींचेंगे तो वो आपका ड्रॉ हो जाएगा, और आपको जहां तक ले जाना है उस ट्रेंड लाइन को, वहां पे आपको माउस को क्लिक कर देना है, तो ये आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सीधा एक सपोर्ट ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, उसको खींचूंगा यहाँ तक, और यहाँ लाके उसको मैं क्लिक करके छोड़ दूंगा, तो ये ड्रॉ हो गया। अब इसको लाइन को मैं पकड़ के अगर ऐसा करता हूँ तो ये इधर उधर हम ले जा भी सकते हैं इसको, इतनी बात ठीक है। अब इसमें राइट क्लिक करेंगे हम, तो हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। रिमूव का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करके आप कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो पेस्ट भी हो जाएगा एक और लाइन, जैसा कि यहाँ पे हो गया है। अब आपको अगर सबको रिमूव करना है तो आपको सिंपली राइट क्लिक करके रिमूव में जाना है, या फिर एक साथ भी आप रिमूव कर सकते हैं। आपको चार्ट्स के बीच में राइट क्लिक करना है और रिमूव में यहाँ पे आ जाएगा रिमूव ऑल इंडिकेटर्स, रिमूव ऑल ड्रॉइंग टूल्स। तो जैसे इसको मैं करूँगा, यहाँ पे पूरा जितना ट्रेंड लाइन था वो सब हट जाएगा, और ये इंडिकेटर भी यहाँ से हट जाएगा अगर मैं रिमूव ऑल इंडिकेटर्स करता हूँ तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सिंपली आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ लाके छोड़ देना है उसको, और यहाँ पे क्लिक करते साथ आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं आप। इसको हटाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे इसमें और रिमूव में जाएंगे तो ये भी हट जाएगा। वर्टिकल लाइन भी वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं। ये वर्टिकल लाइन आ गया है, इसको आप यहां से मूव भी कर सकते हैं, और इसमें हटाना है अगर आपको तो फिर से राइट क्लिक करके रिमूव में जाने से हट जाएगा। एरो ड्रॉ कर सकते हैं आप, अगर किसी पॉइंट पे आपको दिखाना है कुछ प्राइस वगैरह कि यहाँ पे हमारा इतना प्राइस है, तो सिंपली एरो पे क्लिक करके यहाँ ला के आपको पॉइंट कर देना है उसको, और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि मैं इस एरिया पे फोकस कर रहा हूँ। इसको भी हटाने के लिए हाइड कर देना है वहां से। तो दोस्तों यहाँ से आप सब चीज़ ऐड कर सकते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी की चीज़ें आप खुद से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ से पिच फोक ऐड हो सकता है, जिसको भी ऐड करना है, गान स्क्वायर वगैरह ऐड हो सकता है, फिब रिट्रेसमेंट आपका ऐड हो सकता है यहाँ से, जैसे मैं दिखाता हूँ ऐड करके। फिब रिट्रेसमेंट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, जैसे यहाँ से मैंने क्लिक किया, ऐड किया और यहाँ तक ला के मैंने उसे छोड़ दिया, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाता है। तो ये सब अगर आपको आता होगा तो आप ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपना सिंपली बेसिक चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। इसको भी मैंने हाइड कर दिया यहाँ से। तो सेकेंड ऑप्शन में आपका ये सब रहेगा, यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कर्व है। जैसे आपको पैराबोलिक कर्व बिटकॉइन के चार्ट में बना था, तो आपको कर्व यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ दिखेगा। इसको आप जितना इस पॉइंट को लेके जाएंगे ऊपर तक, आप इसको वैसा मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं ऐसा खींच के ऐसा कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। तो ये था कर्व, इसको भी मैंने हाइड कर लिया यहाँ से। हाइड या रिमूव कुछ भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट में जाके आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कोई भी चार्ट में, जैसे लिख के मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया क्रिप्टो किंग ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे देख सकते हैं आप। इसको आप मूव भी कर सकते हैं जहाँ आपको इसको रखना है, तो ऐसा करके आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसमें क्या है, बैलून आप दिखा सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। सिंपली यहाँ पे बैलून में जाके क्लिक करके इसमें आपको लिख लेना है जो भी आप लिखना चाहते हैं, और इसको भी आप जहाँ आप चाहें पॉइंट कर सकते हैं। ये एरो वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, एक एरो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। ये जैसा कि एरो दिखा रहा है हमको, इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं।
और ओके करेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ पैटर्न्स आप ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे हेड एंड शोल्डर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं सब पैटर्न तो आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। ये मैंने लेफ्ट शोल्डर ड्रॉ कर लिया यहाँ से। तो ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है ये, नेक लाइन हो गई ये। यहाँ से आपको पॉइंट करते हुए ले जाना है, पहले लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हेड कंप्लीट करना है, फिर राइट शोल्डर कंप्लीट करना है, तो आपका ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया। सेम वैसे ही हेड एंड शोल्डर में भी करना है, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ या हाइड कर सकता हूँ। उसके बाद इसका शायद आपको कोई काम नहीं रहेगा, डेट और रेंज, प्राइस रेंज और लॉन्ग पोजिशन और शॉर्ट पोजिशन, ये आप खुद से देख सकते हैं, ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है वो सब, जो काम की है बेसिक वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं, जैसा मैं ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये ऐड हो गया, और इसको अगर मैं यहाँ पे बड़ा करना चाहूँ तो इस पॉइंट से कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें ट्रेडिंग व्यू में तो इंडिकेटर और ट्रेंड लाइन का ही मेन काम है, चार्ट पैटर्न ड्रॉ करने के लिए और इंडिकेटर लगा के देखने के लिए, तो आप उसी पे ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, अगर आप और चार्ट बनाते हैं ट्रेडिंग व्यू में पब्लिश करते हैं तो आप यहाँ से इंडिकेटर और ये सब पैरामीटर्स यूज करके आप अपने चार्ट्स बना सकते हैं, या ट्विटर वगैरह में आप पोस्ट करते हैं तो यहाँ से सारी चीज़ें लिख के आप चार्ट्स में बता सकते हैं कि मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो आप टेक्स्ट में लिख के अपना चार्ट का स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके लिए है, तो आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू में साइन अप करके ये मिल जाएगा। यहाँ से आप सारे कॉइन्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे बात करते हैं डे और आवर्स की, कि कौन सा चार्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स आप देख सकते हैं, जैसा है आवर्स में भी है चार्ट, है वीकली है, मंथली है, और अगर आप मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रो का पैक इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे 12 घंटे का चार्ट इसमें नहीं है, तो अगर आप 12 घंटे का ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप 12 घंटे का यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऐड करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, पैक सेलेक्ट करना पड़ेगा उसका, तब आप 12 घंटे का चार्ट देख सकते हैं, और मैन्युअली भी आप देख सकते हैं, जैसे 4 मिनट का देख सकते हैं, रेंडमली कोई सा भी रेंज आप देख सकते हैं यहाँ से, बस उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा जो मंथली उनका फीस है। तो आप ऐसा करके ट्रेडिंग व्यू को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, और आप 3 इंडिकेटर ही यूज कर सकते हैं फ्री चार्ट में, अगर आपने प्रो को ज्वाइन किया हुआ है तो आप उससे ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेआउट आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि फ्री वाले में अब ट्रेडिंग व्यू ने एक लेआउट ही देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों चार्ट को अगर बड़ा करना है आपको तो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं चार्ट को, वो बड़ा हो जाएगा, और अगर आपको यहाँ से प्राइस रेंज भी उसका बड़ा करना है तो आप यहाँ से खींच के और इसको कम करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा मैं दिखा रहा हूँ। चार्ट्स में जूम करेंगे तो आपको ये छोटा बड़ा होते रहेगा। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे चार्ट्स के बीच में और प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं सारी सेटिंग्स, जैसा कैंडल्स की सेटिंग दिखा रहा है, बॉर्डर दिखा रहा है, स्केल्स में बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, जैसे लॉग स्केल में क्लिक करेंगे तो लॉग चार्ट आपको दिखेगा। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि लॉग चार्ट का क्या यूज होता है। बैकग्राउंड में जाके आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी लाइन और प्राइस का, टाइम जोन में जाके आप इंडिया का कर लीजिए, जैसे मैंने कर लिया है UTC+5:30। ट्रेडिंग में जाने से आपको दिखाएगा लाइन्स वगैरह, और इवेंट्स और अलर्ट्स में आप प्राइस अलर्ट्स पा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा काम की नहीं है दोस्तों, इसको लाइट और डार्क आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिक्स ट्रेडिंग व्यू का यही है, आपको सिंपली साइन अप करके ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ट्रेडिंग व्यू को चलाना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड रोज लाता हूँ एक वीडियो। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देते रहता हूँ। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन।